हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स गो। सो गाइस, कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका पैसा पावर बैंक में तो डूब गया, बट उनकी इच्छा है कि वो अपना पैसा किसी और ऐप में भी डुबाएं। तो हाँ भाई, आप ट्रैवल जो भी सारी बाकी है सारी डिटो ऐप्स है ना, आप वो जाके इंस्टॉल कर लो और क्या है कि पैसा इन्वेस्ट कर लो और कल को आना यूट्यूब पे फिर कमेंट करना, भाई इतना चला गया उतना चला गया, मेरे 10,000 चले गए, मेरे 5,000 चले गए हैं। और दूसरी प्रजाति तो ऐसे लोगों की है जो ये ऐप सभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रेफरल लिंक्स भाई कमेंट्स में इतने मैं देखता हूँ, मैं दिन में एक वीडियो चढ़ाता हूँ, 50 रेफरल लिंक्स आई होती है लोगों की, डिलीट करता रहता हूँ। मतलब 150-200 रुपये के चक्कर में अपना मतलब ज़मीर बेच देते हैं लोग, जब पता है इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है तुम्हारे साथ, सबके साथ। अब तुम दूसरी ऐप्स में रेफरल लिंक्स उठा उठा के दूसरों को बेवकूफ़ और धोखे में डाल रहे हो कि भाई कुछ तो ऐसे कह रहे हैं कि आप इस रेफरल लिंक पे क्लिक करो, मैं आपको अपने जेब से 100 रुपये देता हूँ ताकि आप आगे कमीशन कमाएं। गाइस, आपने आज तक, मैंने अगर 15 वीडियोज़ अपलोड की होंगी पावर बैंक से रिलेटेड, मैंने एक वीडियो में भी अपना रेफरल लिंक इंक्लूड नहीं किया था। This was never my intention to earn commission from you guys. But कुछ लोग हैं ऐसे, और इनफैक्ट कुछ यूट्यूबर्स भी जिनका काम इस टाइम होना चाहिए था अवेयरनेस फैलाना, हेल्प करना लोगों की, बट वो क्या कर रहे हैं, वो अपने रेफरल लिंक सेंड कर नीचे मेंशन करते हैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में, और लोगों को उन पे क्लिक करा के कमीशन कमा रहे हैं इस टाइम बैठ के। इतना ही नहीं, व्यूज के चक्कर में फॉल्स और फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को। आज मैं ओपनली बात करूंगा गाइज, एक यूट्यूबर है टेक्नोटीन नाम से, 2-3 दिन पहले उसने YouTube पे वीडियो चढ़ाई थी कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई घबराओ बराओ नहीं, मैंने विड्रॉल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, ठीक है, बहुतों का पैसा आ गया, आप वेट करो। कल वही बंदा वीडियो चढ़ा रहा है कि पावर बैंक स्कैम। भाई तू 2 दिन पहले बोल रहा था विड्रॉल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तूने, विड्रॉल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कोई टेंशन नहीं है, अभी बोल रहा है स्कैम है। सो गाइस, देख रहे हो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, एक वीडियो में कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, अगली वीडियो में कह रहा है स्कैम। ये ऐसे लोग हैं जो व्यूज़ के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ और मिसलीड करते हैं। देखो, मेरे को कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है इसके लिए, मेरे को बस गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ ये लोगों को ऐसे मिसलीड करता है, ऐसी फजूल सी और फेक इन्फॉर्मेशन देकर। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हो रहे हैं, सिर्फ यही नहीं है, चालाक बाबा हो गया, रंजी डिजिटल हो गया, दुबई जी ट्रिक्स नाम से एक चैनल है, चालाक भैया जी भी है। चालाक नहीं तो मूर्ख हो, मूर्ख सारे, समझ गए, लोगों को धोखा दे रहे हो ना, ऐसे तुम्हें कोई धोखा देना या तुम्हारे फैमिली मेंबर को, तब तुम्हें बात समझ आएगी, ऐसे बेवकूफ समझ रखा है तुमने। एंड गाइस, कभी नोटिस करना इनकी वीडियो ओपन करके, ये टाइटल और थंबनेल में कुछ बोलेंगे और वीडियो में फिर घुमा फिरा के इधर उधर की बकवास बातें करके एंड पे बोलेंगे सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इनकी, और फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियोस को रिपोर्ट करना आपका फ़र्ज है, ऐसी चैनल्स को रिपोर्ट करना आपका फ़र्ज है जिनका मकसद और मोटिव सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ पाना है और लोगों को डिसीव और मिसलीड करना है इस चक्कर में।